क्या हुआ जब हजार साल पुराने एक खास शिवलिंग के आगे विदेशी लुटेरे महमूद गजनबी को भी घुटने टेकने पड़ गए। भारत में कई सारे हिंदू मंदिर ऐसे हैं जिनके रहस्य के बारे में आज तक कोई भी पता नहीं लगा सका है, यहाँ तक कि उनके चमत्कारी और जादुई कलाकृति और वास्तुकला को देखकर दुनिया दंग रह जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक खास शिवलिंग के बारे में। भारत के मंदिरों के लुटेरे महमूद गजनबी की क्रूरता की दास्तां बयां कर रहा है गोरखपुर का एक शिवलिंग, जिसे वह कभी तोड़ नहीं पाया, और जब वह तोड़ नहीं पाया तो उसने उस पर कलमा गुदवा दिया। इस शिवलिंग पर अरबी भाषा में एक कलमा लिखा हुआ है। शिवलिंग पर कलमा खुदा होने के बावजूद लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं आई। यह अनोखा शिवलिंग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 30 किलोमीटर दूर खजनी कस्बे के सरिया तिवारी गांव में है। यह सदियों पुराना नीलकंठ महादेव का शिव मंदिर है। मंदिर के पुजारी आचार्य अतुल त्रिपाठी बताते हैं कि हजारों साल पुराने शिवलिंग मंदिर में ऐसा शिवलिंग मौजूद है जिसकी मान्यता है कि यह शिवलिंग भूगर्भ से स्वयं प्रकट हुआ था, यानी कि जमीन से। जब महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया और पूरे देश के मंदिरों को लूटना शुरू किया और तबाह करता गया, वह इस गांव में भी आया। उसने और उसकी सेना ने इस प्राकृतिक शिवलिंग के बारे में सुनकर इसकी तरफ कूच किया। उसने महादेव के इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद शिवलिंग को उखाड़ने की उसने कोशिश की ताकि इस शिवलिंग के नीचे छिपे खजाने को वह निकाल सके। उसने मंदिर को ध्वस्त कर दिया लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। जब गजनबी थककर हार गया तो उसने शिवलिंग पर कलमा गुदवा दिया जिससे हिंदू इसकी पूजा ना कर सके। महमूद गजनबी के आक्रमण के हजारों साल बाद भी हिंदू श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के साथ दूध और चंदन आदि का लेप भी लगाते हैं। इस मंदिर पर छत नहीं है। कहा जाता है कि जब ही इस मंदिर के ऊपर छत लगाई जाती है तो वह रातों रात ही रहस्यमय ढंग से गायब हो जाती है। सावन मास में इस मंदिर का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति की मन्नत मांगते हैं। सरिया तिवारी गांव के लोग कहते हैं कि इस शिवलिंग को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह इतना विशाल है कि पूरे भारत में सिर्फ एक मात्र ऐसा ही शिवलिंग मौजूद है। इसके अलावा कोई भी शिवलिंग इतना लंबा नहीं है। शिव के इस दरबार में जो भी भक्त आकर श्रद्धा से बाबा से कामना करता है उसे भगवान शिव जरूर पूरी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कभी इस मंदिर में जाने का अवसर मिले तो आप इस अवसर को चूकेगा मत। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।